जो हर जगह मुंह मारता है उसका मुंह भी हर जगह से काला हो जाता है। और यहाँ चीन भी सब कुछ एक साथ करना चाहता है, दोस्ती, दुश्मनी, बिजनेस, डेवलपमेंट और विस्तारवाद भी। अब ये तो चीन के खून में ही आ चुका है, पर भारत के आगे चीन की एक भी नहीं चली। भारत ने जिस प्रकार से चीन और उसके सबसे संवेदनशील हिस्से यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया है, वो दुनिया के लिए किसी अभूतपूर्व कदम से कम नहीं है। पहले चीनी ऐस पर प्रतिबंध लगाना, उसके पश्चात चीन के सामान का बहिष्कार और फिर चीन द्वारा किसी भी भारतीय परियोजना में दखल देने पर ही प्रतिबंध लगाना। भारत की आर्थिक स्ट्राइक से चीन को बिल बिलाने का ही अवसर नहीं मिल पा रहा है। अब भारत तो इतना सक्षम है कि चीन की हालत पल भर में खराब कर सकता है, पर कुछ देश ऐसे हैं जो चीन का मुकाबला और उसकी विस्तारवादी नीति से नहीं लड़ सकते हैं। और जब से शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली है तब से वो गरीब देशों को कर्ज बांटने में लग गए हैं। यहाँ पर कर्ज ऐसे बांटा जा रहा है जैसे गरीबों को बिस्कुट दिया जा रहा हो। अब आप समझिए, चीन अमीर क्या गरीबों को भी नहीं बख्शता है। इस बार चीन का पाला ऐसे देश से पड़ा है जो चीन का पैसा भी हजम कर गया और डकार भी नहीं ली। दरअसल जिस देश की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। असल में हुआ क्या कि चीन की बदनाम कंपनी हुआवे ने वर्ष 2018 में पापुआ को एक डेटा सेंटर बनाकर दिया था और पापुआ ने इसके लिए ही चीन की एक्सिम बैंक से $53 मिलियन का लोन भी लिया था। हालांकि ये डाटा सेंटर पापुआ की सरकार के कोई काम नहीं आ सका क्योंकि हुआवे ने जानबूझकर इस डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत ही नहीं किया था। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक हुआवे आसानी से इस डाटा सेंटर से डाटा चीन को भेज सकती थी, वो भी बिना पकड़े जाने के डर से। हुआवे द्वारा निर्मित डाटा सेंटर से पैदा हुआ विवाद के बाद पापुआ की सरकार ने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया और अब इसे बंद करने की नौबत आ गई है। ऐसे में पापुआ के आईटी मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वो चीन से लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं करेंगे। और यहाँ हम आपको बता दें कि ये देश शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब रहा है। ऐसे में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को मात देने के लिए ही इस देश को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की थी। एक तरफ जहाँ आसियान देश चीन की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं तो वहीं पूर्वी एशिया के देश भी चीन को आंख दिखाने लगे हैं। ऐसे में पापुआ में चीन की जड़ें कमजोर होना चीनी रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी विफलता है। हालांकि पापुआ के रुख में बदलाव से अब चीन के इन सपनों पर हमेशा के लिए पानी फिर गया है और अभी जिस तरह का काम पापुआ ने करके दिखा दिया है वही अगर दूसरे देश भी करने लगे तो चीन को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है।